हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन रंग रंग के। लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि ज़ारा जो उसे कृति को शावी को हक करते हुए देखती है तो कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती और वहाँ से कॉलेज की तरफ बढ़ जाती है। अब शावी भी की किस्मत ही है, जैसा कि कल ही कहा था कि मुसीबत खुद उसके गले आके लग जाती है, तो यही हाल हमेशा बेचारी का रहता है। खैर, ज़ारा कॉलेज की तरफ पढ़ी तो शावी भी उससे थोड़ा पीछे थी, लेकिन चाह कर भी दोनों साथ नहीं चल सकते थे क्योंकि रोड पर उस वक्त दोनों ही थे और रास्ते में वार्डन का घर भी था, तो दोनों एक दूसरे से कैब बनाकर और कह लो कि मन से एक साथ और तन से दूर दूर चल रहे थे, शांति से हॉस्टल पहुंच गए। अब बेचारी करती भी तो क्या करती, बात तो कर नहीं सकती थी। इधर हॉस्टल पहुंच के शावी अपने रूम में असाइनमेंट करने चली गई। डिनर का टाइम हो गया था पर वो अपने काम में बिजी थी, उसका टाइम पर ध्यान ही नहीं गया। इधर ज़ारा और रोशनी सब डिनर कर रहे थे। थोड़ी देर में मेस बंद होने वाली थी तो अनाउंसमेंट हुई कि जिन्होंने अभी तक लंच डिनर नहीं किया है वो डिनर कर लें। तो ज़ारा ने फर्स्ट ईयर के एक स्टूडेंट से कहा कि जाकर सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को बोल दो कि जिन्होंने खाना नहीं खाया है वो आके खाना खा लें। इधर ज़ारा के अंदर तो अलग ही बेचैनी थी ना, उसे तो शावी को देखना था। खैर, इसी बहाने उसे वो मौका भी मिल गया तो उस लड़की ने आके शावी के रूम का डोर नॉक किया। डोर नॉक करते ही खुल गया। इधर ज़ारा का डिनर फिनिश हो गया था तो रोशनी ने उसका हाथ पकड़ते हुए उठा लिया कि चलो यार, डिनर फिनिश हो गया है, कब तक बैठी रहोगी। अब ज़ारा को मन मार के उठना ही पड़ा। इधर लड़की ने कहा कि खाना खा लो, थोड़ी देर में मेस बंद हो जाएगी। शावी ने कहा बस 2 मिनट में जा रहे हैं। ये बोल के वो लड़की चली गई और शावी के रूम का डोर खुला ही छोड़ दिया। इधर ज़ारा जहाँ थोड़ी मायूस थी कि उसे शावी को देखने को नहीं मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ उसके मन में एक अलग ही खुशी थी, खुशी की कलियाँ खिल रही थी। और उसी धुन में, या यूँ कहें कि कलियों के, वो कहते हैं ना, चटकने की आवाज़, उसके खिलने की धुन, एक मुरझाए हुए फूल को वापस से खिलना, जो खुशी उस समय होती है और जो मतलब गुम थी वो, इन शॉर्ट कि वो अपनी खुशी में गुम थी। उस दिन दुनिया का कोई भान ही नहीं था, तो वो अपनी मस्त परी चाल के साथ अपनी खुशी में गुम मदहोश हुए अपने फ्लोर की तरफ रोशनी के साथ जा रही थी और गाना गुनगुना रही थी कि वादा कर ले साजना, वादा कर ले साजना, तेरे बिना मैं न रहूँ, मेरे बिना तू न रहे, होंगे जुदा, ये वादा रहा, ना होंगे जुदा, ये वादा रहा। इधर शावी खाने के लिए रूम से निकल रही थी, उसने ज़ारा की आवाज़ में गाना सुना तो कुछ पल के लिए वो उसकी धुन में गुम हो गई थी और वो आवाज़ उसके थोड़ा और पास आई तो उसने अपने कदमों की रफ्तार को तेज कर दिया था और बिल्कुल ज़ारा के सामने आके
मतलब ज़रा थोड़ी दूर पे थी और निगाहें नीचे करके चलते हुए गाना गुनगुना रही थी। उसने शावी को नहीं देखा था और शावी जो तेज़ रफ्तार से आ रही थी, उसने ज़ारा के सामने पहुंचकर जब उससे कुछ कदमों की दूरी रह गई तो उसने अपनी रफ्तार धीमी कर दी और बिल्कुल धीमे कदमों से आगे बढ़ने लगी। ज़ारा को नहीं पता था कि कोई उसकी आवाज़ में मदहूस हुए उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। जैसे ही शावी और ज़ारा दोनों थोड़ा थोड़ा और आगे आए तो शावी की कदमों की आहट से ज़ारा ने अपनी नज़रें उठाई। शावी को अपने सामने पाया तो जो गाना वो गुनगुना रही थी वो तुरंत चुप हो गई। उसके चेहरे पर हया साफ नज़र आ रही थी। उसने शावी को बस एक पल के लिए देखा और अपनी निगाहें नीचे कर ली है और इस तरह से उसका यूं पल के उठा के झुका लेना अब तो शावी के दिल में तीर चला गया था। एक इसकी सदा ने शावी के दिल को पता नहीं कितनी बार घायल किया होगा एक मिनट के अंदर। खैर, ज़ारा ने अपने चेहरे पे बनावटी नाराज़गी दिखाते हुए वहाँ से बड़ी अदा के साथ निकल गई, लेकिन उसकी आवाज़ में जो खुशी थी उसने अब शावी के होठों पे अपना घर बना लिया था। शावी अपने फेस पर एक बड़ी सी स्माइल लिए हुए मेस में जा रही थी। मेस में जाके उसने डिनर किया, उसके बाद अपना बचा हुआ काम ख़त्म किया और फिर छत पे चली गई। ज़ारा भी छत पर ही थी और ज़ारा की जूनियर जो सुबह लैब में जिसके साथ वो बात करते हुए शावी को चिढ़ा रही थी, वो उससे कुछ पूछ रही थी या यूँ कहें कि बात कर रही थी। शावी जब छत पे गई तो उसने ज़ारा को देखा पर बिना कुछ कहे छत की रेलिंग पर जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद ज़ारा की नज़र शावी पर गई तो ज़ारा ने सोचा कि एक बार इसके साथ देख के इन्होंने थोड़ा एफर्ट डाला था मुझे मनाने का, फिर से कुछ करें क्या, शायद सामने से मनाने ही आ जाए। इस बार जलन इतनी बढ़ जाए कि मेरे सामने ही आके खड़े हो जाए, हो सकता है ना, तो करके देख लेते हैं क्या जाएगा। ये सोच के ज़ारा उस जूनियर से बात करते हुए धीरे से उसके कंधे पर हाथ रख के खड़ी हो गई और खुद को उसके थोड़ा सा नज़दीक कर लिया और इधर उधर की बातें करने लगी। इधर ये देख के शावी के दिल में एक आग सी जल गई थी। जो खुशी अभी थोड़ी देर पहले उसके चेहरे पे थी अब वो जलन के रूप में बाहर आ रही थी। शावी के चेहरे पर उसके अंदर की हलचल साफ दिख रही थी, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल करते हुए अपने फ़ोन में कुछ करने का नाटक किया और बीच बीच में ज़ारा को देखने लगी। बीच बीच में वो ज़ारा को देख रही थी और जब जब वो उसे देखती तो उसकी हालत और ख़राब हो रही थी। अभी बस 5 ही मिनट हुए थे पर शावी के लिए देखना मुश्किल हो रहा था कि ज़ारा किसी और के इतने करीब होके खड़ी थी। तो शावी ने एक सॉन्ग गुनगुनाना शुरू किया जिससे वो अपनी बात ना कहते हुए भी कह जाए। कुछ ऐसा सॉन्ग उसने चूज़ किया और ये स्टोरी में है, रियल में है। तो उसने ज़ारा तक अपनी बात पहुंचाने का एक
नया, कहते हैं ना, नया जरिया खोज लिया था। उसने ज़ारा के पास जाते हुए, टहलते हुए गाना गुनगुनाया कि वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा साधा, वादा तेरा वादा झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा। उसने ये गाना गुनगुनाते हुए वहाँ से आगे बढ़ी। तो ज़ारा ने जब शाफी को गुनगुनाते हुए सुना तो ऐसा लगा जैसे उसका तीर निशाने पे जाके लगा था। तो ज़ारा ने मन में सोचा ये सही है, ये मुझे बात ना कह के गाना सुना रही है, बहुत सही। अगर अब यही करना है तो चलो यही सही, गानों में बातें होंगी ना, तो इसी तरीके से इन्हें जवाब दिया जाएगा। और मेरा झूठा वादा, अच्छा शाम को मेरा जो गाना सुना उसका जवाब दिया है, बहुत सही। तो इन्हें भी इन्हीं के लहजे में जवाब देना तो बनता है। ज़ारा ने शावी का सॉन्ग सुन के भी जूनियर के पास से अपना हाथ नहीं हटाया और ना ही खुद हटी। तो शावी का मूड और ख़राब हो रहा था। थोड़ी देर में नेहा और रोशनी भी छत पर आ गए थे। शावी कॉर्नर पे थी, ज़ारा उससे पहले ही खड़ी थी। नेहा ने उसे देखा बातें करते हुए तो कहा कि क्या बात है ज़ारा, बातें ही करनी है क्या, आज वॉक नहीं करनी? ज़ारा ने शाफी को देखते हुए कहा कि कुछ इम्पोर्टेंट बात थी इसलिए रुक गए थे, चलिए वॉक करते हैं। और फिर अपनी जूनियर की तरफ देखते हुए कहा कि आ जाओ तुम भी हमारे साथ वॉक कर लो आज। जूनियर ने कहा ठीक है, ये कहकर उन्होंने वॉक स्टार्ट की। वॉक करते हुए तभी रोशनी ने शावी को देखा तो रोशनी ने कहा तुम अकेले यहाँ क्या कर रही हो? शावी ने कहा कुछ नहीं दी, बस फ़ोन में कुछ देख रहे थे। रोशनी ने कहा क्या, और ये कहते हुए वो उसके पास रुक गई। पर नेहा, वो जूनियर और ज़ारा तीनों वॉक करने लगे। तो रोशनी ने शावी से फिर से कहा कि क्या देख रही थी? शावी ने ज़ारा को देखते हुए कहा कि कॉल ट्राई कर रहे थे पर फ़िलहाल नेटवर्क बिजी जा रहा है। मतलब कि ज़ारा पे ट्राई मार रहे थे लेकिन ज़ारा का नेटवर्क जूनियर के साथ बिजी है। क्या बात है शावी, हम तो आपकी बातों के कायल हैं। क्या मतलब इनडायरेक्ट में भी ज़ारा, आए हाय मज़ा सा आ गया यार। शावी ने कहा कि कॉल ट्राई कर रहे थे पर फ़िलहाल नेटवर्क बिजी जा रहा है दी। रोशनी ने शावी की नज़रों को पकड़ लिया था तो उसने भी उसी लहजे में बात की कि कोई बात नहीं, जब तक उधर का नेटवर्क बिजी है तुम हमसे बात कर लो, हमारा नेटवर्क डायल कर लो, हमारा नेटवर्क कभी बिजी नहीं रहता। शावी ने कहा ज़रूर। इधर ज़ारा वॉक करते हुए शावी के सामने से गुज़र रही थी और जब ज़ारा शावी के सामने से गुज़रती तो जूनियर के थोड़ा और करीब हो जाती, जिससे शावी के फेस पे ना जाते हुए भी वो जलन के एक्सप्रेशंस ना साफ नज़र आ रहे थे। और जो ज़ारा बहुत अच्छे से पढ़ पा रही थी, उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। उसने जब शावी के इन एक्सप्रेशंस को नोट किया तो उसने नेहा से कहा कि दी पता है आज हम एक सॉन्ग सुन रहे थे, और मतलब कुछ सॉन्ग सुन रहे थे, उसमें से एक सॉन्ग ना मुझे बहुत पसंद आया। नेहा ने कहा कौन सा? तो ज़ारा ने कहा कि अरे आपने नहीं सुना? नहीं कौन सा? उसने कहा कि है एक, कौन सा है बताओ। तो उसने कहा कि
जल गया हम से घर कोई जल गया, हो जलने दे हो जलने दे। मिल गया हमको साथी मिल गया, हमसे घर कोई जल गया, ओहो जलने दे। जब उसने ये सुना तो उसका खून और खोलने लगा शावी का। तो शावी ने ज़्यादा कुछ कहा नहीं, उसने बस अपनी मुट्ठी को जोर से बेच लिया था। तो जूनियर ने कहा, आप कितना अच्छा गाती हो सच में। ये सुन के तो शावी को और ऐसा लगा जैसे उस जूनियर का गला ही दबा दे। लेकिन नेहा ने कहा, तुमने शायद पहली बार सुना है, बहुत मस्त गाती है ज़ारा। इधर शावी मन में कह रही थी, अब ये हद कर रही है यार, बिल्कुल ही हद हो गई है। शावी ने लेकिन खुद को कंट्रोल किया और रोशनी से कहा, चलिए दी। रोशनी ने कहा, चलो। शावी अब रोशनी के साथ वॉक कर रही थी और रोशनी अपनी आदत से मजबूर उसने शावी के हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ रखा था। उसने शावी का हाथ पकड़ा और उसके साथ वॉक करने लगी। और इधर ज़ारा ने जब ये देखा तो उसने कहा, देखा हद, मतलब उससे चिपकेंगी लेकिन आके मेरे से बात नहीं कर सकती। सही है सही है। और ये सोचते हुए वो उसने जो है जूनियर का हाथ पकड़ लिया। जूनियर का जैसे ही उसने हाथ पकड़ा, शावी की तो हालत देखने वाली थी। शावी ने रोशनी से कहा कि पता है आज हमने भी एक सॉन्ग सुना। तभी रोशनी ने कहा, कौन सा? तो शावी ने कहा, बताते हैं। और ज़ारा जब उसके पास से गुजरने वाली थी तभी उसने कहा, दी याद आ गया वो वाला सॉन्ग। उसने कहा, कौन सा सॉन्ग? उसने कहा, मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। ये गाना गाते हुए शावी की नज़रें ज़ारा पर ही थी। रोशनी ने कहा, कुछ ज़्यादा पुराना गाना नहीं है? शावी ने कहा, क्या बात बोल दी यार, पुराने गाने कभी पुराने होते ही नहीं हैं, जब सुनो तब दिल छू जाते हैं, उनमें जज्बात होते हैं, सुनो तो ऐसा लगता है कि उन जज्बातों में डूब गए हैं। रोशनी कहती है, हाँ ये बात तो है, पुराने गानों की बात ही अलग है। इधर ज़ारा की नज़र शावी पर ही थी। रोशनी ने अभी भी शावी का हाथ थाम रखा था और ज़ारा के मन में बस अभी भी यही चल रहा था कि गाने गाए जाएंगे, मुझे परेशान किया जाएगा, ये नहीं सुधरने वाला है, होना है मेरे साथ चाहिए, हाथों में हाथ मेरा होना चाहिए, पर है किसके साथ? रोशनी के साथ। बहुत अच्छी बात है। तभी नेहा ने ज़ारा से कहा, क्या हुआ, इतनी चुप क्यों हो ज़ारा? ज़ारा ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही एक सॉन्ग याद आ गया। नेहा ने कहा, अब कौन सा याद आ गया? ज़ारा जैसे ही शावी के पास से गुजरी उसने कहा, वही वाला, तू पसंद है किसी और की, तू पसंद है किसी और की, तुझे देखता कोई और है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। ये लाइंस गाते हुए ज़ारा शावी को ही देख रही थी, पर जैसे ही शावी ने ये सॉन्ग सुना, उसने ज़ारा की तरफ देखा, तो ज़ारा ने अपनी नज़र जूनियर की तरफ घुमा ली।
और वो जूनियर को देखने लगी। हाय क्या सीन है ना, दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे हैं, लेकिन झुकना कोई नहीं चाहता। हम झुकेगा नहीं साला, है ना। शाबी मनी मन कहने लगी, यार ऐसा तो ना करो, ऐसे नहीं देखा जा रहा यार, हद हो गई है। तभी शाबी ने रोशनी से कहा, जब जरा उसके पास से गुजरने ही वाली थी तभी, वैसे आपने ये सॉन्ग सुना है? रोशनी ने कहा, कौन सा? शाबी ने जारा के गाने का जवाब देते हुए कहा कि हम जैसा कहीं आपको दिल भर ना मिलेगा, हम जैसा कहीं आपको दिल भर ना मिलेगा, दिल तोड़ के ना जाओ, ऐसा दिल ना मिलेगा, हम जैसा कहीं आपको दिल भर ना मिलेगा। तो देखते हैं हम आगे क्या होता है, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इन दोनों की ये जुगलबंदी ऐसे ही चलती रहे, और अपने दिल की बात ऐसे नहीं तो कम से कम गाने के थ्रू कहती रहे। तो आगे क्या होगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।